हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फोर, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा कि किसानों ने जो है आंदोलन किया, और जिसमें उन्होंने आंदोलन क्यों किया, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके विरोध में उन्होंने किया। तो यहाँ पर राजस्थान में जनजाति जो थे वह भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने हक के लिए आवाज उठाई। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। पहली लाइन है और इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंतवाद, इनके बीच में जो गठबंधन हुआ था, तो उसमें सबसे पहले प्रतिरोध जो है किन जनजातियों ने किया? तो मेर, मीणा और भील ने। सबसे पहले देखिए, मेर विद्रोह 1818 से 1824। मेरों द्वारा आवाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। अंग्रेजों के आगमन से पहले बिल्कुल स्वतंत्र थे ये। मेरों द्वारा आवाद क्षेत्र के भूभाग मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, यही मेरों का विद्रोह का मुख्य कारण बनता है। तो सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ बिल्डर ने झाक एवं अन्य गांवों, जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे, उनके साथ जो है समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। तो जब यहाँ पर अजमेर के जो अंग्रेज था, उसने जब समझौता किया यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने आकर जो है लूटपाट करनी शुरू कर दी, तो इस वजह से जो है मेर जो है विद्रोह करने लगे। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान जो है वो आरंभ किया। मेरों को दंडित किया गया। उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की गई। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया और अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों और थानों को हटाने का प्रयास किया। तो अंग्रेज जो है वो क्या चाहते थे कि पूरी तरीके से ये हमारे नियंत्रण में आ जाएं, लेकिन वो आने को नहीं तैयार थे। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। तो एक तो आपको क्या याद रखना है, ये झाक नामक स्थान जो है वह आपको याद रखना है कि ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ में मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। कहाँ पर? झाक नामक स्थान पर। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया, सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रहीं। तो इस तरीके से मेर विद्रोह का इन्होंने दमन कर दिया। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन कहाँ स्थापित की गई? मुख्यालय ब्यावर में। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ किया और इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। तो मेरों ने हालांकि जो है अपने हक के लिए विद्रोह किया, लेकिन इनके विद्रोह को जो है दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेतृत्वकर्ता जो है वो निकल कर नहीं आया। भील विद्रोह, अब ये विद्रोह जो रहा भीलों का, तो यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता निकल कर आते हैं, फिर
उनके अकॉर्डिंग जो है जो भील जनजाति जो है जो कार्य करती है, तो यहाँ पर ये लोग जो है मेयर के मुकाबले जो है वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर सक्सेस होते हैं। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही है, इनको लड़ाई झगड़ा जो है इससे कोई मतलब नहीं। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1818 के बाद उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया, यहाँ पर जो है भीलों से कर लिया जाने लगा। और दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत बाद उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया और उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और चौथा कारण ये रहा कि 1818 की जो संधि हुई उसके बाद अंग्रेजी अधिकांश देशी सेनाओं को जो है वो भंग कर दिया गया, जो भी देशी सेनाएं थी उनको भंग कर दिया गया जब 1818 की संधि हुई। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। अब आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि किस वजह से जो जनजातियां जो थीं वह विद्रोह कर रही थी। भील राज्य और जागीरदारों की सेना में नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष जो है वो उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। तो अब ये लोग जो है वो बेरोजगार भी हो गए। और पांचवा कारण रहा कि भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली चौकीदार कर नामक कर अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई नामक कर वसूल करते थे। तो ये जो है क्या करते थे कि यहाँ पर गांव से रखवाली जो है ये जो कर है ये वसूलते थे। तो जेम्स टॉड ने राज्य की आय और राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से यह अधिकार भी भीलों से छीन लिया। ठीक है, तो पहला कारण जो है वो क्या रहा इनके विद्रोह करने का? पहला तो ये रहा कि ये लोग जो है वो कर जो है जबरन इन पर थोपने लगे। दूसरा कारण ये रहा कि यदि भील जो है इसका विद्रोह कर रहे थे तो उनका दमन नीति जो है अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तीसरी जो है वो क्या रही? तीसरी रही कि जो भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को जो है अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया गया। और चौथी ये रही कि ये लोग जो है गांव की रखवाली के लिए जो कर लेते थे ये भी अधिकार इनसे छीन लिया गया। यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध जो है बगावत कर दी और लंबे समय तक राज्य के अधिकारी जो है भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया किंतु इसे सफलता नहीं मिली। तो अब तो भीलों ने क्या किया कि अंग्रेजों को जो है यहाँ पर घुसने ही नहीं देंगे, नाकाबंदी कर दी। तो जिसके लिए जो है दल भेजे गए लेकिन वो असफल रहे। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और भी अधिक तीव्र कर दिया। तो अब इन्हें जो हिम्मत मिली, साहस मिली, आगे चलकर जनवरी 1823 में ब्रिटिश और रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। अब अंग्रेज जो थे वो अकेले इस कार्य को नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरीके से, चाहे वो किसान हो चाहे वो जनजाति हो। लेकिन यहाँ पर जो रियासत के जो शासक थे जब ये इनके साथ जो है मिल जाते हैं तो हर तरीके से जो है इनका दमन किया जाता है। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की। 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसीलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई
किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूरवारू, देवल और नंदूपालों के भीलों ने भी कर लिया। तो जो डूंगरपुर राज्य जो था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर इन्होंने संघर्ष होने से पहले ही ये समझौता कर लिया अंग्रेजों से 1825 ईस्वी में, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि अंग्रेजों से जो है ये भिड़ सकें या उनसे जीत सकें। इस वजह से इनको समझौता करना पड़ा। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। तो यहाँ भी विद्रोह जो है दमन कर दिया गया। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष जो है समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह किया। तो हालांकि कुछ जो क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों से समझौता कर लिया गया था, लेकिन सभी भीलों ने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया। तो 1826 में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम इन्होंने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद ही यह विद्रोह जो है समाप्त होता है। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 में भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमण के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रहीं, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक जो है उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया। तो इन सब चीज़ों से आपको यही समझ में आ रहा है कि यदि यहाँ के जो आम जनता थी, इनको यहाँ के जो शासक थे, महारावल थे, इनका यदि सहयोग मिला होता तो इनके साथ ये अत्याचार ना होता। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय किया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय जो है कहाँ रखा गया, उदयपुर राज्य में। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटोड़ा में दो छावनियां जो है स्थापित की गई। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह भी हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना गुजरात में है, जो सिरोही राज्य के भील और गिरासिया विद्रोही हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुमार जीवे बसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह को बढ़ावा मिला। तो 1846 के कुवार जीवे बसावों के नेतृत्व में यहाँ गुजरात के जो भील हैं, तो भील यहाँ पर इनको बढ़ावा मिलता है। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह की सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा और अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 में भील विद्रोह को कुचल दिया। 1850 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीवास के भील विद्रोही हो गए। अब धीरे धीरे जो है जिन लोगों को जो है गुस्सा आता गया, धीरे धीरे जो है वो विद्रोह करते गए, लेकिन इनके विद्रोह को जो है वह दबा दिया गया, क्योंकि इनकी संख्या कम थी। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में क्या कर दी, आग लगा दी और भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रहीं। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे और राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। तो घटनाएं जो है वो चलती रहीं, धीरे धीरे 1857 की क्रांति तक भी पहुंची।
तो यहाँ पर भी इन लोगों का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर भी विद्रोह करें, लेकिन इस क्रांति से ही ये लोग अनजान थे। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटना जो है सामने आई, और 1863 में कोठड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न रहे। अब देखिए ये चीज़ें जो है वो आप पढ़ते जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो लोग हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर आप जो है वो बस समझते जाइए कि भील जो है वो किस तरीके से विद्रोह बार बार करते हैं, और उनके विद्रोह को जो दमन कर दिया जाता है, क्यों करते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं। जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग ऑफ अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया और सैनिक कार्रवाई और शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 में खेरवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। 1872-75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटती हैं। तो बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी और शेरगढ़, इन गांवों के भील जो है छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे, और 1873-74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया। उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलाना और झाबुआ राज्यों तक फैल गईं। 1881 से 82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। कौन सा? इसे आप ध्यान से रखिए, देखिए, बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी और शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा शांत रहे, और 1873-74 के दौरान जो है इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया, और उनकी गतिविधियां जो है मध्य भारत के सैलाना और झाबुआ राज्यों तक फैल गईं। ठीक है, 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों और राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और ये जो है सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ कब? 1881 से 82 में, कहाँ? उदयपुर राज्य के भीलों के द्वारा। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची, और इसके साथ महाराणा का निजी सचिव जो श्यामल दास वह भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को आग लगा दी, और 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा। बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित तो स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगल पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो जो भील थे वो उनमें जो है जलकर ना मर जाएं, और जो भी सैनिक अभियान चल रहा था उससे बचने के लिए वो वहां से भाग आए और पहाड़ियों पर और ऊंची चोटियों पर पहुंचकर अपनी सुरक्षा की। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना और सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखवदेव में डेरे डाल दिए थे। यहाँ लगभग 8,000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो है वो बीलक पाल का गामती नीमा, पीपली का खेमा, सांगा तरी का जोयता था। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पर जब अब विद्रोह हुआ तो नेता जो कौन है? बीलक पाल का गामती नीमा, पीपली का खेमा और सगा तरी का जोयता। तो अब 8,000 भील और नेता के साथ सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। महाराणा के निजी सचिव जो श्यामल दास थे, इन्होंने रिखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ कर दी। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ समझौता हुआ। राज्य के अधिकारी आधा बराड कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट ना पहुंचाने, विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। तो भीलों ने राज्य के नियमों का पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न ना होने की स्वीकृति दी। तो अब ये समझौता हुआ, और इस समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया, किंतु पूर्ण शांति जो है स्थापित अभी नहीं हो पाई थी। तो अभी बस दो तीन जो लाइनें हैं वही इंपॉर्टेंट रही हैं अभी तक। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, किंतु डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान
नहीं दिया गया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में यहाँ गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। अब यहाँ से जो है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली बातें हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो शक्तिशाली भील आंदोलन यहाँ आरंभ होता है, कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्योंकि मेवाड़ के जो भील थे उनको तो समझौता जो है वह हो गया था अंग्रेजों के साथ, तो वो शांत हो गए थे। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन जो है आरंभ किया, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक जाति के निवासी एवं जाति से क्या थे? बंजारा थे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जाति से बंजारा थे, स्वयं छोटे से किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक स्थिति और उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और वो सन्यासी हो गए। उनकी गरीबी के कारण, उनकी ऐसी आर्थिक दशा थी, इस वजह से उनके जो बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और अध्यात्म की ओर वो प्रेरित हुए और सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। तो गुरु का नाम याद रखें, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी इनके शिष्य बन गए। उन्होंने धुनी स्थापित कर और निशान यानी ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। अब कोई आया जो कि भीलों को शिक्षित करेगा और उसके बाद जो है प्लानिंग करके तरीके से जो है उनके हक के लिए लड़ेगा। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए वादे किया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी हैं। इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार ये समाज धर्म सुधार आंदोलन, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन बदलता ये जो धर्म सुधार आंदोलन, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं और कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी, जागीरदार ये चिंतित होने लगे कि अब जो है भीलों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो अब इन्हें वास्तव में हर चीज का पता चल जाएगा। उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को ना पलटते तो अधिकारी और जागीरदार चिंतित हो गए। अतः वे इन उपदेशकों और प्रचारकों को अपने राज्य और जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी। समाज और धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक जो है कृषक के रूप में गुजरात के सूत और ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। ठीक है, ईडर राज्य के भीलों के साथ जो है कार्य किया, कब पूछा जा सकता है? 1908 से 1910 तक उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंदर 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकार से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने पर उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। कौन सा? ईडर राज्य समझौता। ठीक है, जो कि कब हुआ? 24 फरवरी 1910 को आ चुका है ये एग्जाम में क्वेश्चन। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वास आए। वहां उसने धुनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की और उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे। गोविंद गिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते और इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गिरी की समानांतर सरकार चलने लगी। किंतु दूसरी ओर राजा और जागीरदार द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। तो यहाँ तक जो है आपका
केवल पढ़ने का ही है, यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है पूछा जा सकता है कि ईडर राज्य के भीलों के साथ जो है और गुजरात के सूंद के साथ जो कार्य जो किया गोविंद गिरी ने, कब से कब तक किया? 1908 से 1910 तक। ईडर राज समझौता कब हुआ? 24 फरवरी 1910 तक। कितने शर्तें थी उसमें? 21 शर्तें रखी गई। तो ये देखिए गोविंद गिरी, बेडसा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र रहा, ठीक है, याद रखें। ईडर, सूंध, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों, बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनका सभी सामान जब्त कर लिया, उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया, उनको कहा कि धार्मिक पंथ जो ऐसे छोड़ दें। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी, उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये देखिए क्या है, मानगढ़ धाम। तो यहाँ मानगढ़ धाम जो है, यहाँ पर भीलों को जो है वो बुलाते हैं गोविंद गिरी, ठीक है। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे और साथ में राशन पानी हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूंध, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वैलेजली राइफल्स की 1 कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। तो यहाँ पर देखिए, इतना याद रखिए कि गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जो है भीलों को एकत्रित करने के लिए कहा, अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप मशीन गन तैनात कर रखी थी और वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, लेकिन आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे न टिक सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची और भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कुल 100 भील मारे गए, 900 भीलों को बंदी बना लिया गया और इसके साथ ही गोविंद गुरु और पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया। ये लाइन याद रखें, ठीक है। गोविंद गिरी और पुंजिया, इन दोनों को जो है अंग्रेजों ने बंदी बनाया था। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंद गुरु भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया। तो गोविंद गुरु जो थे, जो कि भीलों में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनकी आजीवन कारावास की सजा को कम करके 10 वर्ष कर दिया गया और 7 वर्ष के बाद जो है इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूंध, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्य में जो है प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के छालौत नामक गाँव में रहने लगे। ये याद रखें, इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आप लोग जो है मेर आंदोलन और भील आंदोलन, जिसमें भील आंदोलन जो है उसको जो है दोबारा से पढ़िएगा। इनको बार बार पढ़ने से ही चीज़ें आपको याद होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।